कलकत्ता 9 फरवरी सन 1961। कई दिन से आप ये सुन रहे हैं कि मन अन्नमय है और प्राण जलमय है, वाणी तेजोमय है। तो अन्न से मन को बल मिलता है, जल से प्राणों को शक्ति मिलती है, तेज से वाणी को समर्थ प्राप्त होती है। किस तरह से कहती है, दधना सौम्य मध्यमानस्य जो अणिमा सऊर्धा समुद्दीशति तत् सर्पीर भवती। कहते जैसे देखो, पहले बहुत सा दूध है, उस दूध को लेकर हमने दही बनाया और उस दही का मंथन किया मथनी डालकर, उससे जो सार भाग है माखन वो ऊपर आ जाता है और वो घी बनता है, और छाछ नीचे रह जाती है। मथन करने से अगर मन भर दूध को आप उठाना चाहें तो आप नहीं ले जा सकते, और मन भर से माखन निकाल ले तो आराम से ले जा सकते हैं। और दूध अगर आप 2 शेर या 3 शेर पिए और घी 1 चटांग खाएं तो आपको उससे अधिक बल और अधिक शक्ति प्राप्त होती है। यदि इसी तरह से एवं खलु सौम्य अन्यस्य आश्रमानस्य यो अणिमा सऊर्धा समुद्दीशति तन मनो भवती। यदि जो हम अन्न खाते हैं, उस खाए हुए अन्न का जो भोग भाग है, जो स्थूल हिस्सा है, वो नीचे रह जाता है, मलमूत्र से बाहर चला जाता है, और जो मध्यम हिस्सा है उसका मांस बन जाता है, जो उसमें सूक्ष्म भाग है उसका दूध का जैसे घी एक सार भाग है, ऐसे जो अन्न का सार है, कहते तन मनो भवती, वो मन बनता है, उससे मन को बल मिलता है। आपान सौम्य पीयमानानां जो अणिमा स ऊर्धा समुद्दीशति स प्राणो भवती। इसी तरह जो हम जल पीते हैं, पिए हुए जलों का जो स्थूल भाग है वो नीचे रह जाता है, और जो सूक्ष्म है वो प्राण को बल देता है, उससे प्राण सबल और सशक्त बनता है, और स्थूल भाग से वो मलमूत्र के द्वारा बाहर चला जाता है। तेजसा सौम्य आसमानस्य जो अणिमा स ऊर्ध्वा समुद्दीशति। इसी तरह जो तेज तत्व हैं, घी है, दूध है, ऐसे जो तेजा पदार्थ हैं, जब हम उनको खाते हैं उस समय उनका जो अणु हिस्सा है, बहुत सूक्ष्म भाग, वो ऊपर उठता है और वो वाणी को बल देता है। अन्नमयं हि सौम्य मना आपोमया प्राणा तेजोमयी वाचिति भूयाय मा भगवान जिज्ञापयतीति तथा सौम इति होवाच। कहने लगे महाराज, ये बात तो मैंने समझ ली, मेरे ध्यान में आ गया कि ठीक अन्न के सूक्ष्म भाग का मन बनता है, मन को बल मिलता है, और उसके स्थूल भाग बाहर चले जाते हैं और मध्यम भाग का मांस बनता है। पानी जल जो हम पीते हैं उनके सूक्ष्म भाग से प्राणों को बल मिलता है, और स्थूल भाग मलमूत्र मल से मूत्र से बाहर निकल जाता है, और मध्यम हिस्से का शरीर में लहू रुदर बनता है। और तेजा तत्व जितने हम खाते हैं उनसे जो स्थूल भाग है वो बाहर चला जाता है, और जो मध्यम भाग है उसका शक्ति मिलती है हड्डियों को, अस्थियों को,
अस्थि ये सबल होती है, अस्थि टूटती है घी पिलाओ तेल पिलाओ, अस्थि को बल मिलता है और सूक्ष्म भाग से वाणी को शक्ति और वाणी को बल मिलता है। कहने लगा महाराज ये तो मैंने समझ लिया, इसके आगे फिर कुछ और कहे। भूये मां भगवान विज्ञापय तू। कहने लगे भाई बात ऐसी है, ये क्यों हमने तुमको सारा सिलसिला बतलाया। कहने सूढ़ कला सौम्य पुरुष, कहने ये जो पुरुष है ये सोलह कला सोलह कला है, इसमें सोलह शक्तियां हैं, सोलह इसमें अंग अवयव है और पंचदशानी मासी ही। कह लगे देखो, क्योंकि आजकल के लड़के जैसे कहती है पिता अगर कहता है ऐसा करो तो कहते नहीं करेंगे क्यों करे, और ये लड़का भी कुछ इस तरह का अंठीला था अकड़बाज था, दादा दिन भर कहते रहे ऐसा करो ऐसा करो पर उसके तो मन में नहीं बैठे। उन्होंने बहुत कहा भाई षोड़श कला पुरुष है। कहने लगे नहीं मैं तो नहीं मानता। कहने लगे देखो अगर नहीं मानते तो फिर पंचदशानी मासी ही, कहते 15 दिन मत खाओ। अन्न जल बंद कर दिया, कुछ खाने को नहीं देंगे। आज एकादशी है, एक दिन अगर आप अन्न जल बंद कर देते हैं कुछ खाते पीते नहीं है तो शरीर में कुछ दौर्बल्य अनुभव होने लगता है। पिता ने कहा अगर तुम इस बात को नहीं मानते तुम्हारे ध्यान में नहीं आता तो भाई पंचदशानी मासी कामम अपापिव। पिता ने सोचा कहीं अन्न तो बंद कर दिया और पानी भी छोड़ दे तो मर जाए, तो बच्चे से ही हाथ धो बैठे। इसलिए कहते कामम अपापिव, तुम्हारी जितनी इच्छा है उतना जल पियो, दिन में 2 बार 3 बार 5 बार सिर 2 सिर पानी तो जरूर पीते रहो, परंतु अन्न मत खाओ, अन्न फल खाने की कोई चीज मत खाओ। तो इसलिए तुमको पता चलेगा कि हाँ अन्नमयम मना, ये अन्नमय मन है और इसी मन की 16 कलाएं हैं, और एक एक दिन अन्न न खाने से और एक एक कला कम होती जाएगी। जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा ठीक 15 दिन उसकी कलाएं कम होती रहती हैं, पड़वा से लेकर अमावस्या तक, और फिर जब खाता है पीता है तो फिर आगे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाता है। इसी तरह मन में ये 16 शक्तियां हैं, अब ये 16 शक्तियां एक दिन ना खाने से एक शक्ति कम होती जाएगी, और 15 दिन में ठीक मन बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा, अगर 16वें दिन ना खाओगे तो अमावस्या आ जाएगी। इसलिए पंचदशानी मासी 15 दिन मत खाओ और कानून मपा पीवा आनंद से पानी पीते रहो, तुम आपा मया प्राणा, प्राण जो है जलमय है और पीवो तो नव छेद से अंते, अगर पीते रहोगे तो प्राणों का वियोग नहीं होगा, मरोगे नहीं, पर हां मन की शक्तियां दुर्बल हो जाएंगी। अरे भाई अब ये सोचना है हमको कि खाने से मन में शक्तियां आती हैं और मन षोडश कला पूर्ण है, और एक एक दिन ना खाने से एक एक शक्ति कम होती चली जाती है, और इसीलिए जो लोग इस चीज को नहीं मानते उनके लिए बड़े में बड़ा उपाय यही है कि पहले खाना पीना बंद कर दो। अब बंद करने से क्या होगा कि मन की जैसे जैसे शक्तियां दुर्बल होंगी और अपने आप उन्हें समझ में आएगा कि हाँ अन्नमय मन है, और मन की शक्तियों के दुर्बल होने से शरीर में दौर्बल्य आता है, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। यदि आपका मन बीमार है, आपको मानसिक रोग है, तो शरीर आपका अच्छे होने पर भी बीमार है।
शरीर अच्छा है, सबल है, पर यदि मन रोगी है तो शरीर उससे पहले रोगी हो जाएगा, क्योंकि मन का प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। और यदि शरीर बीमार है पर मन बीमार नहीं, मन सबल है, मन सुशक्त है, तो आप बीमारी में भी काम करेंगे, बीमारी में भी दुकान पर जाएंगे, बीमारी में भी रास्ता तय करेंगे, बीमारी में भी परीक्षा देंगे। रोग आपकी आपके विचार में शारीरिक रोग या जो है वो विशेष महत्व नहीं रखता, अगर मन रोगी ना हो। और संसार में बहुत लोगों को देखा जाता है कि उनका मन रोगी है तो अच्छे होने पर भी वो बीमार है, और यदि मन आरोगी है तो रुगण होने पर भी वो अच्छे है, सशक्त है। इसलिए मन से मन का जो सूक्ष्म शरीर है उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है, और जो स्थूल शरीर है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। आप इसका अनुभव करें, जैसे देखो क्रोध आता है, क्रोध किसको आता है, मन को, सूक्ष्म शरीर में क्रोध आता है, और उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, जो स्थूल शरीर पर है। जब क्रोध आएगा आंखें लाल हो जाएंगी, मुंह लाल हो जाएगा, और ओठ कांपने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, ये मन का जो मानसिक क्रिया है, मन का जो क्रिया है उसका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ा। काम मन का धर्म है या लोभ मन में रहता है, पर उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, स्थूल शरीर पर। जब काम वृत्ति का उदय होता है तो ये स्थूल शरीर उद्विघन हो जाता है, अशांत हो जाता है, इसे चलना फिरना बैठना उठना कठिन हो जाता है। तो इस तरह सूक्ष्म शरीर के प्रभाव वो स्थूल शरीर पर पड़ते हैं। इसी तरह अगर स्थूल शरीर दुर्बल होता है, स्थूल शरीर को ज्वर आता है, बुखार आता है, तो उसका असर कुछ मन पर होता है। उस समय आप गिर जाते हैं, कहते बस अब तो उठ नहीं सकते, अब तो शक्ति नहीं है। इस तरह से ये अन्न का प्रभाव पड़ता है मन पर। अच्छे अन्न से मन अरुगण बनता है, अच्छा बनता है, और बुरे अन्न से बुरा बनता है। जैसे कल्पना करो, आज एकादशी है, विचार किया किस तरह प्रभाव पड़ता है आज के जीवन में, मैं आपको बतला हूं। प्रातः काल उठे, विचार हुआ कि आज एकादशी है और बड़ी पवित्र एकादशी है, आज एकादशी रखेंगे। तो मन ने कहा, नहीं बाबा एकादशी नहीं रखना, अगर एकादशी रखोगे बीमार हो जाओगे, सिर में दर्द हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगी। जब मन ने अपनी बहुत सी हुज्जतें आपके सामने लाकर पेश की, तो जरी तो आप मन की बात में आ गए, तो समझो आप पराजित हो गए, आप हार गए और मन विजयी हो गया। ये व्रत या नियम ये क्या है, ये एक मन पर विजय प्राप्त करने का साधन है। तो यदि मन ने आपको ठीक अपने मार्ग में ले लिया तो मन विजयी हुआ और आप जीत गए। यदि आपने कहा नहीं कुछ नहीं होता, अरे ठंडी है गर्मी नहीं है, शरीर में एक दिन में दुर्बलता नहीं आएगी, कुछ भी करो तुम, कैसे भी कहो, पर आज मैं तो जरूर एकादशी रखूंगा ही। मन ने बहुत सी हुज्जतें पेश की, पर नहीं, आपने मन की एक नहीं चलने दी, आपने एकादशी रखी। आगे तो भूख लगती है 12 बजे, और आज एकादशी है तो 10 बजे ही लगे आई, फिर कहते खाने को दो। तो यदि आप फिर भाई घबरा गए तो फिर मन की विजय हो गई। यदि आप नहीं घबराए कि नहीं कुछ भी हो आज तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तो ठीक आप मन पर विजयी हो गए। एक महात्मा प्रातः काल रोज उठता था, बड़ी ठंडी पड़ती थी और आज कुछ ज्यादा ठंडी थी, सोचने लगा आज नहीं उठेंगे, धूप चढ़ने से उठेंगे। कुछ देरी मन से लड़ाई होती रही, झगड़ा होता रहा, अंत में उसने कहा ये तो आज ऐसा करता है जो कल भी ऐसा करेगा।
तो उसके ऊपर गोदड़ी ओढ़े थे और गोदड़ी ओढ़े उठाए गंगा जी में जाकर खड़ा हो गया। एक तो गंगा जी का जल ठंडा है, ऊपर गोदड़ी गीली है। कुछ लोगों ने पूछा, महाराज ये क्या करते हो, ठंडी लग जाएगी? कहते नहीं भाई, ठंडी लग जाए तो लग जाए, पर ये मन पर विजय प्राप्त करते हैं। आज मुझे जो आलस में डाल कर ये उठने से इनकार कर रहा था। तो भाई अगर आप इस तरह से दृढ़ हो जाते हैं तो आप मन पर विजयी होते हैं। यदि कमजोर होते हैं तो मन अवश्य आप पर विजय प्राप्त करता है। तो जी जैसे एकादशी है, लोग कहते महाराज एकादशी क्यों रखना, ठीक एकादशी के और जो फल होते हैं लाभ होते हैं वो बात तो अलग है, पर मैं आपसे कहूंगा कि एकादशी का बड़े में बड़ा लाभ यह है कि वो केवल मन पर विजय प्राप्त करना, ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी से अगर हम चल पड़ते हैं तो ठीक हम समय समय पर मन को विजयी मन को पराजित कर लेते हैं। पर हाँ उस तरह से नहीं, अगर हमने एकादशी रखा और आगे जो शायद हम रूखी सूखी रोटी खाकर काम चला लेते और आज फिर दस पांच रुपए बिगाड़ दिए, नहीं वो नहीं उसे जा तो निराहार कुछ भी आहार ना करना या फिर स्वल्पाहार बहुत कम खाना। और एकादशी का अर्थ ही है अग्यारह, एकादश का अर्थ होते हैं अग्यारह। तो दस इंद्रिय और ग्यारह मन, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और एक मन। एक दिन ऐसा हमारे जीवन में आना चाहिए कि हम इन ग्यारहों पर विजयी हो जाएं। आंख को इतना संयत करे कि आंख किसी को कुदृष्टि से मत देखे भाई, वाणी को इतना संयत करे कि आज के दिन वाणी से कभी किसी की निंदा ना करे, कठोर भाषण ना करे, झूठ ना बोले, कर्कश ना बोले। अगर हमने एकादशी तो रखा पर दिन भर घर वालों को कोसते रहे, गाली देते रहे, तो उस एकादशी का कोई अर्थ नहीं। वाणी को संयत करना और भाई ये आंख को संयत करना और कान से किसी की निंदा ना सुने, कान को संयत करना और हाथ से किसी की वस्तु ना उठाए, पांव से बुरे मार्ग में चलकर ना जाए, इस तरह दस इंद्रियों को अपने अधिकार में करना और मन को सर्वथा अपने अधिकार में बना लेना, वाणी का संयम, मन का संयम, कान का संयम, आंख का संयम, ये आज्ञा एकादशी हमें बतलाती है कि ग्यारह दिन एक महीने में दो दिन ऐसे आने चाहिए। अगर तुम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते तो इन अपनी इंद्रियों को संयत रखते हुए, कि क्योंकि एकादशी का नाम है हरि दिवस, यहाँ धर्मशास्त्र में इसका नाम आता है एकादशी नहीं, पर इसका नाम आता है हरि दिवस, हरि दिन। तो हरि दिन में क्या है कि हरि की चर्चा, हरि का श्रवण, हरि का कीर्तन, हरि का स्मरण। इसलिए एक दिन भगवान नाम का स्मरण करो, भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का चिंतन करो और बाहर के सारे व्यवहारों को धंधों को रोक कर ये दिन प्रभु परायण बन जाए तो ठीक हम मन पर विजयी बन जाते हैं, मन को जीत लेते हैं। एक घटना आती है हमारे यहाँ, कुछ लोग पूछते हैं महाराज ये भला ठीक है, मान लिया गया, ये अन्न खाने का निषेध क्यों कर लिया, भला इसका क्या कारण कि अन्न मत खाओ, आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो होटलों वाले महाराज होटलों में खाते हैं, घरों में खाते हैं, फिर हमारे लिए ये दंड क्यों बना दिया। कहते बात ऐसी है कि सृष्टि के आरंभ में जब सब लोग सात्विक थे, अगर चोर डाकू जब बढ़ते हैं तो पुलिस की जरूरत पड़ती है, जेलों की जरूरत पड़ती है, तो उस समय सब लोग सात्विक थे, तो न कोई अनाचारी था, दुराचारी था, न कोई पाप होता था, न कोई चोरी होती थी, न कोई और बुराई होती थी। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर देश में पुलिस की
तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और ये बहुत बड़े बड़े न्यायालयों की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये न्यायालय अगर हमें नए नए बनाने पड़ते हैं और जेलें बड़ी बड़ी बनानी पड़ती हैं, यहाँ पुलिस अधिक से अधिक रखनी पड़ती है, तो इसी स्थिति में कि जब संसार में अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा संसार में अनाचार दुराचार व्यभिचार बढ़ जाता है, उसी स्थिति में तो सृष्टि के आरंभ में तो ये कुछ था नहीं। तो उस समय एक बार धर्मराज ने भगवान से जाकर कहा, महाराज अब मेरी तो कोई जरूरत नहीं, किसी शहर में या किसी प्रांत में अगर बुराइयां ना हो तो वहां पुलिस क्या करेगी, उसे ना रिश्वत खाने को मिलेगा और ना उसकी कोई और ड्यूटी होगी। तो वो जाकर कहने लगे कि भाई मेरा तो कोई काम है नहीं, इसलिए ये अपनी ड्यूटी संभाल लो और या तो मुझे कोई और ड्यूटी दे दो। तो भगवान ने धर्मराज से कहा, तुम घबराओ नहीं, अभी और तो कुछ ऐसी स्थिति नहीं बनती, पर हम एक रास्ता निकाल देते हैं। मेरे क्या कि जे जितने भी बुराई हैं या पाप हैं, ये एकादशी के दिन सब अन्न पर रहा करेंगे, इसलिए जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाएंगे तो वो अपराधी होंगे और वो तुम्हारे काम में आ जाएंगे, इसलिए तुम्हारे काम में आने के कारण अब तुम ऐसा करो कि अब तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। इसलिए कहती है कि भाई जानी कानी च पापानी ब्रह्म अत्यादि कानी च अन्न समासिर प्रतिष्ठन्ति प्रावते हरिवासरे। कहती है जानी कानी च पापानी, देखो जितने छोटे बड़े पुण्य या पाप है, कहते वो सब के सब अन्न समासिर प्रतिष्ठन्ति प्रावते हरिवासरे, एकादशी के दिन वो अन्न के आश्रित रहा करेंगे। तो जो लोग अन्न खाएंगे वो तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए तुम्हारी ड्यूटी बन जाएगी। इसलिए निषेध किया कि अन्न नहीं खाना चाहिए और आज के दिन हरि स्मरण करना चाहिए, उससे क्या होगा मन की शुद्धि मन की पवित्रता, तो मन शुद्ध होगा। इसलिए आहार व्यवहार विचार इन तीनों की शुद्धि इसके साथ सटी रहती है। एक घटना बतलाऊ, जिस समय यहाँ भगत नामदेव था, भगत नामदेव के इतिहास में घटना आती है, भगवान बांके बिहारी हैं, बड़ा बांकापन करते हैं और बहुत कड़े एग्जामिनर हैं, बड़े कड़े परीक्षक हैं। जब परीक्षा ले ले तो सर्टिफिकेट देते हैं पास हो गया, यदि परीक्षा में पास ना हो तो सदा के लिए अनुत्तीर्ण और सदा के लिए फेल हो जाता है, पर परीक्षा लेते कड़ी से कड़ी। और परीक्षा लेने पर मुझे एक और बात बीच में याद आ गई, ऐसी बात भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान से एक बार अर्जुन से भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जन तान्य वेद सर्वानी ने तुम देश परं तब। अरे मेरे बहुत जन्म हुए और तेरे भी बहुत जन्म हुए। अर्जुन कहने लगा, मारा दो तो जानता हूं, एक नरनारायण का और एक अर्जुन कृष्ण का, इससे ज्यादा तो बहुनी तो मैं नहीं जानता। बहु वचन तो वहां दिया जाता है जहां भूत तो हो और यहां तो दो ही है। भगवान ने कहा नहीं, तानिया वेद सर्वाणी मैं जानता हूं तू नहीं जानता, तू ईश्वर सर्वज्ञ और जीव अल्पज्ञ है, तो अल्पज्ञ इसको नहीं जानता और सर्वज्ञ जानता है। तुम्हारा फिर कौन जन्म था? कहते एक बार तुम किसी कलकत्ता जैसे नगर में रहते थे और बहुत बड़े दानशील थे और वैश्य के घर का तुम्हारा जन्म था, सेठ थे, और तुमने इतना बड़ा दान करना आरंभ किया, सारे नगर में कोई दीनहीन गरीब कोई आता है सबको सब तरह का दान देते हो, और नगर में घोषणा कर दी कि और कोई दान ना दे मैं सबको दान दूंगा, कपड़े वाले को कपड़ा अन्न वाले को अन्न दवाई वाले को दवाई पैसे वाले को पैसा। तो अगर भाई मैं तो बड़ा कड़ा एग्जामिनर हूं परीक्षक हूं, तो भगवान कहते मैं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर बाहर जंगल में चला गया
नगर से 2-3 मील दूर। और अर्जुन ने उस समय कहते तूने सेठ के रूप में इसीलिए अपनी सीआईडी खुफिया विभाग छोड़ा था कि मेरे नगर में कोई दरिद्र तो नहीं, दुखी तो नहीं, रोगी तो नहीं, तो वहां तक कोई आदमी तुम्हारा पहुंचा नहीं। और एक दिन कहीं स्वयं तुम पहुंच गए 2-3 दिन के बाद, और मैं तो बहुत दुबला मरना ही चाहता था। तुमने पूछा, प्रणाम किया, हमारा यहाँ पड़े हो? कहे हाँ, यहाँ एक सेठ है, बड़ा दुष्ट है, उसने और लोगों को भी दान करने से बंद कर छोड़ा है, और स्वयं मेरा भी पता नहीं लिया, और 3 दिन से भूखा हो, बस अब मैं प्राण छोड़ने वाला हूँ, और उसे शाप देकर अभी मर जाता हूँ। तो वो तो स्वयं सेठ के रूप में तुम ही थे, घबराए, कहा महाराज फिर यहाँ भोजन ला दे। जी मैं कोई कलयुग का ब्राह्मण हूं, चौके से बाहर भोजन खाऊंगा? मैं होटल भोजी और बोतल पाई और मोटर साई नहीं हूं। तो फिर महाराज चौके में भोजन कराओ, ले चलो, गाड़ी लाओ। कहते हाँ गाड़ी लाओ। अरे उस समय कारें तो थी नहीं, डामर के रोड नहीं थे, कच्चा रास्ता है, और गाड़ी हिलेगी तो प्राण उसी समय निकल जाएंगे। तो ऐसे मारना चाहते हो तो गला घुटकर मार दो। कहने लगा महाराज फिर राजी होते हो किसी तरह, कंधे पर बिठाकर ले चलो। और ये तो प्रकट नहीं करता कि मैं बूढ़ी हो, महाराज कंधे पर बिठाकर ले चलो क्या? ले चलो, राजी हो गए। और जब चला तो ये तो तुम जानते हो, ये तो बांके बिहारी है, बामन से विराट बनना जानता है। जब वो 2-3 कदम चला तो सारा भार दे दिया। अब जब सारा भार ले दिया तो वो तो बुरी तरह से गिरा और एकदम भार हल्का कर दिया। उसने सोचा पांव फिसल गया होगा इसलिए गिर गया, फिर उठा। जब फिर चला, फिर इतना वजन दिया, अब तो ऐसी बुरी तरह से गिरा, नाक टूटा, दांत टूटा, और मन ही मन गाली देने लगा। कहता आज तक साधु ब्राह्मण को बहुत देखे पर ऐसा साला कोई नहीं देखा। उसे कहते अरे क्या कहता है, क्या बड़बड़ाता है? कि महाराज कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। इन्हें ठीक बता नहीं तो साफ दे दूंगा। क्या बोला है? कि महाराज कुछ नहीं बोला, कि नहीं ठीक बतला तो मैंने कहा साधु ब्राह्मण को बहुत देखे ऐसा साला कोई नहीं देखा। उसी समय चतुर्भुज रूप होकर सामने खड़े हो गए कि जा तेरे साला ही बनेंगे। लोग तो साला बनने से घबराते हैं। राजस्थान में राजपूत लोग लड़कियां मार देते थे कि भाई हमें किसी का साला ना बनना पड़े, पर भगवान जब उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो साला बनने को तैयार होते हैं। और जब सुभद्रा को अर्जुन ने उस दंडी के वेश में, एक साधु के वेश में गिरनार में तपस्या कर लेने के बाद उठा लिया तो सब लोग लगे झगड़ा करने, बोले जाऊ क्या और सब ज्यादा कि हमारी बहन को उठाकर ले गया, उसका पीछा करना चाहिए। तो आज भगवान आनंद से बैठे हैं, लोगों ने पूछा कि कृष्ण से तो पूछ लो, और कृष्ण से पूछो क्या, कृष्ण तो भर दे चुका है कि तेरा साला बनेंगे। और जब सब लोगों ने पूछा कि भाई उसने अनर्थ किया, हमारी बहन को उठा गया और उसे पकड़ना चाहिए, तुम्हारा क्या विचार है? कहने लगे अरे जाने दो, जवान लड़की है, हमारा ही संबंधी है, ले गया तो क्या हर्जा है, पर बीच में छिपी हुई बात यह है कि मैं वर दे चुका हूँ कि तेरा साला ही मुझे बनना होगा। इसलिए अगर तुम परीक्षा पास हो जाते हो और ये मुक्ति ज्ञान ये सब बातें तो अलग रह जाती है, भगवान ये सब करने को तैयार होता है। और नामदेव के दरवाजे में खड़ा हुआ, आजकल की तरह एकादशी थी पंडरपुर नगर में, कहले खाने को दो। उसने कहा नहीं खाने को नहीं दूंगा, कहीं अन्न दो कहीं अन्न नहीं दूंगा, चावल दो चावल नहीं दूंगा, फलाहार ले लो दूध ले लो, कह अन्ना ये नहीं दूंगा। भगत और भगवान में भाई ठंड गई आप जानते हैं। अब दिन भर इस तरह झगड़ा होता रहा, आसपास के लोग कहते काये का भगत है, बड़ा निष्ठुर है, बड़ा निर्दयी है। लोगों को जो आप जानते हैं, समाज की स्थिति तो आप जानते हैं, जिसे आप बहुत बड़ा महापुरुष मानते हैं या महात्मा मानते हैं या पूज्य गुरुदेव मानते हैं, अगर उससे एक तिल जितनी भूल हो जाए
एक तिल जितनी भूल हो जाए तो जिसके गले में आप फूलों की माला डालते हैं उसके गले में आप जूतियों की माला डालने को तैयार होंगे। तो सारे लोग लगे गाली देने, ये तो दुष्ट है, काहे का भगत है, ब्राह्मण भूखा मरता है, इसे अन्न नहीं देता है। वो जानते हैं अरे ये ब्राह्मण नहीं है, ये बांके बिहारी है, छल करता है, छलिया है। अंत में प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए। उसने लोगों से कहा भाई ब्राह्मण मर गया, उन्होंने कहा ब्रह्म हत्या हो गई, सारा गांव हमारा दूषित हो गया, इस दुष्ट को बाहर निकाल देना चाहिए। उसने कहा ठीक है जाओ। स्वयं गाड़ा लिया, लकड़ी भरी, उसके ऊपर उस ब्राह्मण को भी लाद लिया, शमशान में ले गया। और शमशान में ले जाकर भाई ब्राह्मण को रख लिया अपनी गोद में और नीचे से लगाई अग्नि। भगवान ने सोचा अब तो ये जलेगा, मानने वाला नहीं। उसी समय चतुर्भुज सामने होकर, चतुर्भुज होकर कहते कि ठीक तू वास्तव शास्त्र की आज्ञाओं को पालन करने वाला है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, इसलिए मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। उस समय नामदेव को छाती से लगा लिया। तो भैया ये स्थिति है आज के दिन, तो ये एक मन पर विजय प्राप्त करने के लिए ये एकादशी का व्रत है और शास्त्र की मर्यादाओं को पालन करने के लिए इससे मन की शुद्धि होती है, हाँ व्यवहार की शुद्धि होती है और विचार की शुद्धि होती है। यदि ये नहीं तो व्यवहार भी बिगड़ता है, विचार भी बिगड़ता है, आचार भी बिगड़ता है। अब इसके आगे का ये षोडश कलाएं क्या है आप सुनते हैं। हमारे भगवान षोडश कला पूर्ण है, भगवान कृष्ण षोडश कला पूर्ण है, ये आपको बतलाएंगे। क्या ये भगवान की षोडश कला है या प्रश्नोपनिषद में षोडश कलाओं का वर्णन है और यहाँ षोडश कला पुरुष है, ये बातें आपको कल कहेंगे।